हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरेज मैन ट्रेडर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट खुलने से पहले एक ट्रेडर को कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, राइट। और देखिए, मार्केट खुलने से पहले तैयारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं पर्सनली क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, क्या करता हूँ मार्केट खुलने से पहले, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे जो नए ट्रेडर है, मार्केट मतलब खुलने से पहले कुछ नहीं करते, सीधा डायरेक्टली मार्केट खुलते ही ट्रेड लेना शुरू कर देते। भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मार्केट खुलने से पहले खुद का एक एनालिसिस करना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ग्लोबल मार्केट, FSDIs के डेटा, ऑप्शन चेन, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एनालिसिस करके अपना एक व्यू रेडी करना होता है। कि जैसे कि अगर मार्केट इस जगह पे खुला तो मैं इस ऐसा ट्रेड लूँगा, बाइंग का लूँगा या सेलिंग का लूँगा, राइट। ऐसा एक माइंडसेट हमें रेडी करके चलना होता है, तभी दोस्तों हम मार्केट में सही से ट्रेड पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप फुल गाइड करूँगा कि मार्केट खुलने से पहले हम लोग क्या क्या देखें, कौन कौन सी चीज़ें को हमें नोटिस करना है, और कैसे हमें मार्केट खुलने के बाद ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री टेलीग्राम है। वहाँ पर मैं रेगुलर मार्केट, लाइव मार्केट में अपडेट डालता रहता हूँ कि मार्केट का प्राइजेशन कैसा रहने वाला है, FSDIs ने क्या पोजिशन बनाई है, कॉल राइटर पुट राइटर के डेटा क्या बोल रहे हैं, सारी डिटेल मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम मैं मेरे के जैसे कि मैं 9:15 बजे मार्केट खुलता है, तो 8:30 बजे करीब मैं अपने जो सिस्टम है उस पर बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी का दोनों में से कोई भी चार्ट आप ओपन करिए, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैंडल के क्लोजिंग जो कल की, मतलब अगर आज मंडे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्राइडे की कैंडल कैसी बनी है। तो फ्राइडे की कैंडल देखिए ना, थोड़ी सी नेगेटिव बनी है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग नीचे की तरफ आई है, तो थोड़ा नेगेटिव प्राइजेक्शन है। तो हमें करना क्या है, ठीक है, वो जो कैंडल है उसका मैं हाई मार्क कर देता हूँ, जो नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई है मैं उस पर हाई पे एक रेजिस्टेंस की लाइन बना देता हूँ, रेड लाइन यहाँ पे बना देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसी कैंडल का एक लो भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम करेंगे सपोर्ट की तरह, राइट, पहले हम देखें, और उसके पहले अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसे भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे कैंडल जो है इसका सपोर्ट लो और उसके पहले की कैंडल का लो, ठीक है। तो ये देखिए, ये चार, ये जो लाइन से ये बन गई, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाती है, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। उसके बाद मैं आता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखो तो देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, ठीक है, अगर मार्केट, ठीक है, अगर आप देखें। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको 15 मिनट में भी आप कर सकते हैं, 15 मिनट में लेके जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लाइन कभी नहीं ड्रॉ करनी सपोर्ट रेजिस्टेंस की। ये देखिए, ये जोन जो बन जाएगा मेरे लिए, ये जोन जो रहेगा वो मेरे लिए मंडे के लिए क्या होगा, एक रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको रेड कलर कर देता हूँ, और नीचे की तरफ आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है इस जगह का, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे भी एक बॉक्स बना दूंगा, ये सपोर्ट का बॉक्स रहेगा मेरे लिए। अगर मार्केट कल मंडे के दिन इस लेवल पे आएगा तो मैं बाइंग का सोचूंगा, और ऊपर के लेवल पे जाएगा, मतलब कैसे, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ जाएगा तो मैं सेल करूंगा, यहाँ खुल के नीचे आता तो यहाँ से मैं बाइंग करूंगा, ठीक है। बट अगर मार्केट यहाँ से नीचे टूटता है तो मेरे लिए फिर सपोर्ट कौन सा रहेगा, तो मेरे लिए देखिए ये जो सपोर्ट है, ये देखिए ये जो लाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ है, इस जगह का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, देखिए सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है, नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी हो सकता है, मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है, तो ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन बना दी है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे इसके बाद देखिए फिबोनाची भी एक टूल है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी देखिए इसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे खुलता है तो बाउंस बैक होने का चांस रहता है, ओके। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही मैं मार्केट में ट्रेड लेने की सोचता हूँ। तो मेरा जो देखिए ट्रेडर को ये चीज़ ड्रॉ करने के बाद माइंडसेट फिक्स रखना है, माइंडसेट क्या रखना है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा और ऊपर जाएगा तो मैं सेलिंग करूँगा, ठीक है, और मार्केट गैप डाउन खुलेगा इस जोन पे तो मैं बाइंग की सोचूंगा, ठीक है, बाइंग कहाँ तक करूँगा, यहाँ तक करूँगा, उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट हुआ तो मैं फिर से बाइंग के लिए जाऊँगा और फिर से यहाँ सेलिंग का ट्रेड लूँगा। ये माइंडसेट जो है हमें पहले प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमें सोच लेना है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुला, इस लेवल को निकालेगा तो मैं सेलिंग करूँगा, इस जोन तक मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगर आएगा तो मैं बाइंग की सोचूंगा, ठीक है। इस तरह से आपको पहले से अपना माइंडसेट हो रेडी कर लेना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे काम करते हैं मार्केट में।
उसके बाद ये हो गया, ये ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार ग्लोबल मार्केट चेक करना है। ग्लोबल मार्केट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको जाना है ग्लोबल मार्केट लिखना है गूगल पे, ठीक है। आप लोग गूगल पे जाके ग्लोबल मार्केट लिखोगे तो पहली जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है उस पर आपको चले जाना है। उसके बाद आपको सुबह देख लेना है कि जो देखिए डाउ जोन फ्यूचर जो है वो कहाँ पे है, मतलब ग्लोबल मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव थे क्या नेगेटिव थे, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और देखिए एशियन मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, वहाँ से एक व्यू लेना है कि जैसे हमें ट्रेड करने में मदद है। अदर सारे जो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो हमें बाइंग साइड के लिए ट्रेड के लिए जाना चाहिए रिट्रेसमेंट पे, और अगर नेगेटिव है तो हमें सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ग्लोबल मार्केट को देख के आप जो है अपना व्यू बना सकते हैं कि मार्केट में हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है वो है इकोनॉमिक कैलेंडर, आपको गूगल पे जाके लिखना है इकोनॉमिक कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद देखिए investing.com इंडिया जो है इसकी एक वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी देखिए इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाके आपको क्या करना है, आपको देखिए इस वर्ल्ड वाइड इसको निकाल के आपको यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएसए सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यूएसए जो का मार्केट जो है उसमें कोई न्यूज़ आती है तो वो इंडिया को अफेक्ट करती है। उसके बाद आप इंडिया सिलेक्ट कर सकते हो। दो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑल होगा तो आपको क्या करना है, 3 स्टार ही रखना है सिर्फ, ठीक है, ऑल नहीं रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके ये ऑल कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे जाके एक बार मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके ये 3 स्टार करके फिर से मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब हाँ, ये होने के बाद प्लस और एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको वीक नेक्स्ट वीक है टुमारो है परसों है क्या सिलेक्ट करना है। तो अभी देखिए ये वीक पूरा हो गया है तो नेक्स्ट वीक कब स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 26 तारीख को मंडे है, और ये ख़त्म कब होगा, जो मार्च की 3 तारीख को ये जो है ख़त्म होने वाला है, तो 3 तारीख तक मैं इसको कर देता हूँ। तो नेक्स्ट वीक के सारे डेटा जो है यहाँ पे कौन कौन से आने वाले हैं, मंडे को बिल्डिंग परमिट डेटा आने वाला है, न्यू होम सेल डेटा आने वाला है यूएस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद अगर डेटा आया होगा वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे बुधवार को जो है मतलब वेंसडे को जो GDP का डेटा आएगा यूएसए का वो इंपॉर्टेंट है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम थर्सडे को आएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो डेटा है वो ग्लोबल मार्केट आपको अफेक्ट करते हैं, वो इंडियन मार्केट को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जैसे मार्केट खुलने से पहले देख लेना है कि कोई डेटा वगैरह नेगेटिव या पॉजिटिव कोई आया है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद पिछला जो दिन है उसका FIIs का DIIs का डेटा देख लेना है। जैसे कि 23 फरवरी है, उस दिन देखिए मार्केट में कि FIIs क्या करके गए हैं, तो FIIs ने बहुत अच्छी बाइंग करके गए हैं पर मार्केट का नीचे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। देखिए FIIs बुल पोजीशन लेके गए हैं, DIIs ने भी थोड़ी सी बाइंग की है, तो मार्केट नीचे आने का रीज़न भी होगा, DIIs ने थोड़ा कम बाइंग किया। और उसके बाद इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग करके गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी सेलिंग करके गए हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें विक्स वगैरह है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर बहुत अच्छे बाइंग की है, FIIs ने ऑप्शन भी बाई किया है, मतलब थोड़ा बुलिश डेटा है। तो ये कि बुलिश साइड के ट्रेड के लिए थोड़ा सा अच्छा डेटा बन के गया है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो बाइंग साइड हम जा सकते हैं। ये जो डेटा है इस तरह से आपको रीड करना है। प्लस इसके अंदर आपको है ना मंथली ईयरली डेटा भी मिल जाएगा। जैसे कि मंथली डेटा देखिए तो फरवरी में भी जो FIIs है वो थोड़े नेगेटिव है, पर देखा जाए तो जनवरी में जितनी सेलिंग की थी ना उससे यहाँ पे कम सेलिंग हुई है, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए चेंज 2% से ज़्यादा का बता रहा है, मतलब थोड़ा अच्छा है। और देखिए 2024 में थोड़ी सेलिंग है, 23 में सेलिंग है, तो इस हिसाब से आप इसको जज कर सकते हैं, ठीक है। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है आपको। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर मतलब OI ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बैठा हुआ है, तो मैं बैंक निफ्टी का ही देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखे हैं, तो हम देखते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये जो है बने हुए OI के हिसाब से। तो देखिए फ्राइडे को तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता है, पर मार्केट खुलने के साथ बनता है। पर वैसा देखा जाए तो जो कॉन्फिडेंट ट्रेडर है, जैसे कि यहाँ पे 46,800 पे 71,000 OI है, और देखिए इन द मनी घुसकर भी यहाँ पे पुट राइटिंग की गई है, मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। तो मार्केट देखिए मंडे को थोड़ा सा फ्लैट भी खुलता है तो बाइंग साइड जा सकता है, क्योंकि ये डेटा बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 47,000 पे 200,000 OI यहाँ भी बैठा है, ठीक है। अगर मार्केट 47,000 के ऊपर निकला तो बहुत अच्छी बाइंग का मोमेंटम आएगा, और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो भी शार्प मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये जो OI है ये निकलना शुरू करेगा, ठीक है। ये जो OI है फिर भागना शुरू करेगा, ये भागेगा तो क्या होगा कि मार्केट नीचे की तरफ मतलब बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। तो इस हिसाब से 46,000 47,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 46,800
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाके देखेंगे, मैंने बनाया है उस हिसाब से, अगर देखें तो 47,000 का जो लेवल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 47,200-300 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, और नीचे की तरफ ये सपोर्ट बना हुआ है 46,800 के करीब, ठीक है। अगर आप देखें ये रहा इस जगह पे, ठीक है, अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो मार्केट यहाँ तक आएगा, और इसके ऊपर निकला तो मार्केट ऊपर तक का टारगेट दे सकता है। इस हिसाब से ऑप्शन चेन भी आपको रीड करनी है। उसके बाद एक ही जगह पे आपको सारा डेटा चाहिए, जैसे कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे देखिए यहीं इस जगह पे आपको सेक्टरल आउटलुक मिल जाएगा, जैसे मेटल स्टॉक जो है, कंस्ट्रक्शन, निफ्टी आईटी, और कौन कौन सी न्यूज़ आई है, न्यूज़ को भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे देखिए सारे स्टॉक रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई है वो मैं देख लेता हूँ। अगर मैं स्टॉक ट्रेडिंग करूँगा तो यहाँ पे जाके एक बार न्यूज़ वगैरह पढ़ूंगा कि कौन से स्टॉक में न्यूज़ आई है, ठीक है, उसके बाद मैं अपना डिसीजन लूँगा। उसके बाद सेक्टरल आउटलेट्स, कौन सा जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मीडिया एंटरटेनमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, कंस्ट्रक्शन अच्छा था, फार्मा अच्छा था, हेल्थ केयर अच्छा था, और नेगेटिव में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक थे, क्या थे, ओके, तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि टॉप गेनर्स कौन थे, टॉप लूज़र कौन थे। गेनर है तो मैं उसमें पॉजिटिव व्यू रखूँगा, ठीक है, और लूज़र है तो मैं उसमें नेगेटिव व्यू रखूँगा। किस में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, मतलब लॉन्ग बिल्डअप का मतलब स्टॉक जो है ऊपर जाने के लिए पोजीशन बनी है, लॉन्ग पोजीशन बनी है, तो मैं इन स्टॉक पे अगर बाइंग लेनी हो तो मुझे इन स्टॉक पे लेनी है, अगर मुझे सेलिंग करनी है तो मैं इन स्टॉक पे ट्राई करूँगा, ठीक है। उसके बाद इंट्राडे टॉप गेनर लूज़र, गैप अप कौन से खुले थे, गैप डाउन कौन से खुले थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी प्रिपरेशन जो है मार्केट खुलने से पहले आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है बहुत सारे स्क्रीनर भी अवेलेबल है, जैसे कि ओपन हाई लो स्कैनर जो है वो मैं देख लेता हूँ मार्केट खुलने के बाद, मतलब 10-15 मिनट में ये देख लेता हूँ कि किसमें ओपन इज इक्वल टू हाई है। ओपन इज इक्वल टू हाई होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें सेलिंग करेंगे, ओपन इज इक्वल टू लो होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक है। तो इसका सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, चैनल पे सर्च करना, मतलब बेस्ट वेबसाइट फॉर ट्रेडर, तो आपको ये जो वीडियो है मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं मार्केट खुलने से पहले करता हूँ। और देखिए और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड लाइन, अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे यहाँ खुलता है ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ का टारगेट मार्केट दे सकता है। तो इस हिसाब से आपको जो है ट्रेडिंग करनी है, और देखिए ऐसे ही मार्केट में घुसना नहीं है, पहले प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद ही आपको मार्केट में आना है और अपना व्यू बना के आना है कि मुझे क्या करना है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या करना है तो आप कहीं भी एंट्री एग्जिट करोगे। मुझे पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा, मुझे पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो मैं यहाँ पे सेलिंग करूँगा। तो इस हिसाब से देखिए हमें मार्केट खुलने से पहले प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए, और टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके ज्वाइन जरूर करिएगा।